नागपुर शहर महिला कांग्रेस द्वारा आज संविधान चौक से बाइक रैली का आयोजन किया गया था। इस बाइक रैली का नेतृत्व नागपुर शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष नैश नुसरत अली द्वारा किया गया था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बाइक रैली जुड़ेगी, ऐसी जानकारी भी नैश नुसरत अली द्वारा इस दौरान दी गई है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेता डिसूजा और कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संध्या सवालाखे के आदेशानुसार सभी नागपुर शहर महिला कांग्रेस पदाधिकारी एवं प्रदेश महिला कांग्रेस पदाधिकारी, सेवा दल महिला कांग्रेस पदाधिकारी और इंटक के महिला पदाधिकारी और सभी महिला एवं महिला कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में सभी महिला राहुल गांधी के साथ है और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ आज संविधान चौक से महिलाओं के बाइक रैली का आयोजन किया गया था। आज जो देश में एक नफरत का माहौल जो चल रहा है, ऐसे में हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी गांधी ने एक नारा दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिसमें के हर जाति हर समाज को एकजुटता का पैगाम है। भारत जोड़ो यात्रा, करप्शन के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, महिलाओं के शोषण के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, एक तरीके से देश के सम्मान में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस बाइक रैली में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा में नागपुर से करीबन 5,000 महिलाएं शामिल होने वाली है और उसी की यह पूर्व तैयारी होने के बाद नैश नुसरत अली द्वारा कही गई है। कांग्रेस के द्वारा जो है महिला सेल द्वारा जो है आज यहाँ पे बाइक रैली निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा को ये रैली जो है कनेक्ट होने वाली है। हमारे साथ कांग्रेस के कई महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये बाइक रैली आज निकाली जा रही है, क्या बता। पहली गोष्ट तो बाइक रैली यासाठी करते हैं, भारत जोड़ो नफरत तोड़ोसाठी। आम्ही पूर्ण देशभरात भारत जोड़ो यात्रा सुरू झाली आहे, महाराष्ट्रात 7 तारखेला रंगण होणार आहे। आमच्याकडनं 5,000 महिला सगळ्या जुळणार आहे, महागाईसाठी ही यात्रा नागपूरमध्ये करण्यात येते। थँक्यू। ये जो है नांदेड में जो है कई महिलाएं वहाँ जॉईन होने वाली है, कितनी महिलाएं वहाँ जॉईन होने वाली है वो भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रामध्ये नांदेडमध्ये आमच्याकडनं महिला काँग्रेसकडनं 5,000 महिला जॉईन होणार आहेत। हमारे साथ और भी कई कार्यकर्ता महिलाएं हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो महिला ये जो भारत जोड़ो यात्रा में रैली जो है कनेक्ट होने वाली है, कितनी महिलाएं जा रही है, किस तरह से इसका आयोजन होगा। आज जे आपण इथे जमलो आहोत ते सगळे राहुल जींनी जो एक नवा विक्रम स्थापित करतात आहे आणि त्या विक्रमामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा जो संदेश आहे तो प्रेमाचा संदेश आहे। आज 7 वर्षांपासून पूर्ण देशाचं जे वातावरण धर्माधर्मांमध्ये भांडणं लावून खराब केलं गेलं आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, बेकारी वाढलेली आहे, असुरक्षितता आहे आर्थिक पण आणि महिलांची पण, आणि संपूर्ण पुढचा भविष्य आहे ते अंधकारमय दिसत आहे। त्याचा सामना करण्यासाठी एकेकाळी महात्माजींनी पदयात्रा काढली होती आणि निशस्त्र राहून या देशाला स्वातंत्र्य दिलं होतं। राहुलजी पण त्याच मार्गावर चालतात आणि त्या मार्गाला पाठिंबा देण्यासाठी असंख्य आमच्या ज्या कार्यकारिणी आहे त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र महिला काँग्रेसच्या वतीनं आज नागपूर महिला काँग्रेस या प्रचारार्थ हे सगळं प्रदर्शन। महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस, आज हम सब यहाँ पर महिला कांग्रेस की तरफ से, प्रदेश महिला कांग्रेस और शहर महिला कांग्रेस की तरफ से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस बाइक रैली का जो मार्गदर्शन है हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती नेता डिसूजा मैडम ने दिया है और नेता मैडम का ये कहना है कि हम सबको एक संगठन देना है और उस संगठन राहुल जी को देना है। और जो आज पूरे आप यदि पूरे भारत में देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ राहुल जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ जन सलाह उनके साथ है, तो हम सब की ये प्री तैयारी है कि नागपुर में एक बाइक रैली के साथ हम सब महाराष्ट्र रैली के लिए तैयार हो रहे हैं और महाराष्ट्र में हम सब एक साथ रहने वाले हैं, सभी 15 दिन के लिए राहुल जी के साथ रहने वाले हैं और जहाँ जहाँ राहुल जी जाएंगे महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस पूरा सहयोग उन्हें देने वाली है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जिस तरह से
जब भी देश पे आफत आई, जब भी देश में प्राचीन में भी हम देखते आ रहे हैं कि जब भी राम भगवान ने भी हजारों किलोमीटर का गमन और पैदल वंदना की थी और राहुल गांधी भी उसी मार्ग पर निकले हैं, तो जरूर इस देश में एक नया मुकाम आएगा, देश में एक परिवर्तन आएगा और परिवर्तन के सोच के साथ राहुल गांधी की यात्रा हमेशा सफल रहेगी। हम सब उनके साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़े। हम जिस तरह से राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसके लिए महाराष्ट्र में ये यात्रा आने वाली है और उसी की ये तैयारियाँ है और महिला कांग्रेस द्वारा जो है आज यहाँ पे बाइक रैली का आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।